नमस्कार, रुआ लोग आज तक देख रहल बानी रुआ सभी के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट, चाहे कौनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कौने मिर्च मसाला लगाए ले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है तो यहे लगी खबर किसन लागल, ई सब बतावल जाए तुरंत कमेंट करी। सोमवार के लोकसभा में नीट पेपर लीक के मुद्दा पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अवूरी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच गर्मागर्म बहस के सदन गवाह बनल। विपक्ष के ताना मार के धर्मेंद्र प्रधान बहुत खिसिया गईले। दरअसल पेपर लीक के मुद्दा पे बोलत राहुल गांधी कहले कि शिक्षा मंत्री अपना के छोड़ के सब के दोषी ठहराव तारे, लेकिन उनका नहीं खे लागत कि सदन में चलत बहस के मूल बात के बारे में प्रधान तक के जानकारी बा। एह बात से प्रधान नाराज हो गईलन आ ऊ जवाब देत कहले कि हमरा केहू के प्रमाण पत्र के जरूरत नहीं खे। राहुल गांधी कहले कि हमनी के देश के परीक्षा प्रणाली में बहुत बड़ समस्या बा, ई सिर्फ नीट के सवाल नहीं खे, ई पूरा शिक्षा व्यवस्था के सवाल बा। मंत्री अपना के छोड़ के सब के दोषी ठहरवले बाड़े, हमरा नहीं खे लागत। उ एह मूल बातन के समझ लिहले बाड़न की सदन में का हो खतबा। एह पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहले कि हमार शिक्षा अवूरी, हमार मूल्य, हमार सामाजिक जीवन, हमरा अपना राज्य अवूरी जनता के मंजूरी मिल गईल बा, सदन में एकरा खाती हमरा केहू के प्रमाण पत्र के जरूरत नहीं खे। देश प्रधानमंत्री मोदी के चुनले बा अवूरी हम यहाँ सदन में जवाब दे रहल बाणी कि देश के वर्तमान परीक्षा प्रणाली बकवास बा। देश के विपक्ष के ओर से एकरा से ज्यादे दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं खे हो सकत। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगावे के फैसला पर रोक लगा दिहले बा। सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट विवाद पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली अवूरी मध्य प्रदेश सरकार के नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देवे के कहले बया। जबले राज्य कवनो जवाब न देसु तबले एह आदेश पर रोक लगावल जाय। सुप्रीम कोर्ट अपना अंतरिम आदेश में कहले बया कि दुकानदारन के आपन पहचान बतावे के जरूरत ना पड़ी, खाली खाना के प्रकार के जिक्र करे के पड़ी। कावड़ियन लोग के वेज फूड मिले के चाही, अवूरी साफ सफाई बना के राखे के चाही। ई बतावल जरूरी बा कि खाना शाकाहारी बा कि गैर शाकाहारी। ए मामला के अगला सुनवाई 26 जुलाई के होई। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, अवूरी न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी के पीठ के सोजा सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील के तर्क रहे कि ई चिंताजनक स्थिति बा, पुलिस अधिकारी बंटवारा पैदा कर रहल बाड़े, अल्पसंख्यकन के पहचान हो रहल बा आ आर्थिक बहिष्कार कील जा रहल बा। याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह के तर्क रहे कि सरकार के ई आदेश समाज के बंटवारा जैसन बा, एक तरह से ई अल्पसंख्यक दुकानदारन के पहचान करके आर्थिक रूप से बहिष्कार करे जिसन बा, एहमे यूपी आ उत्तराखंड ई काम कर रहल बा। सोमवार के सवेरे जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के गुंडा इलाका में संदिग्ध आतंकी सेना के कैंप पर हमला कर देले। सरकारी सूत्र के मुताबिक गोलीबारी सवेरे 4 बजे भइल। जानकारी मिल रहल बा कि एह आतंकी हमला में एगो जवान गाहिल हो गईल बा। आतंकी के हमला के बाद सुरक्षा बल घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर देले बा। मिलल जानकारी के मुताबिक ए मुठभेड़ में एक आतंकी के मौत हो चुकल बा, अवूरी एक नागरिक घाही हो गईल बा। हालांकि अधिकारी बतवले कि इलाका में आतंकी अवूरी सुरक्षा बल के बीच ताजा गोलीबारी भइल बा, जबकि घेराबंदी अवूरी तलाशी अभियान चलता। सूत्र बतवले कि आतंकी पहले एगो गांव के बाहरी इलाका में एगो गांव के रक्षा समूह के सदस्य अवूरी एगो जवान रहल के घर पर हमला करे के कोशिश कईले, लेकिन पुलिसकर्मी के मौजूदगी के चलते इलाका से भागे के मजबूर हो गईले, अवूरी बाद में सेना पर हमला कर देले। रविवार के मुंबई में भारी बरखा भइल। बीएमसी से मिलल आंकड़ा के मुताबिक मात्र 10 घंटा में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बरखा दर्ज भइल। मौसम विभाग मुंबई, ठाणे, अवूरी, पालघर खाती 24 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी कईले बा, जबकि रायगढ़ में मंगलवार तक ऑरेंज अलर्ट बनल रही। एह भारी बरखा का बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रशासन के हाई अलर्ट पर रहे के निर्देश देहले बाड़न। रविवार के सवेरे 8 बजे से शाम 6 बजे तक शहर में 100 मिलीमीटर, पूर्वी उपनगर में 118 मिलीमीटर, अवूरी पश्चिमी उपनगर में 110 मिलीमीटर बरखा दर्ज भइल। भारी बरखा के चलते 15 विमान के डाइवर्ट करे के पड़ल, जबकि रनवे भी दुबेर बंद हो गईल।
क्षेत्रीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक सुनील कांबले बतवले कि सोमवार से रविवार के मुकाबले बरखा के तीव्रता तनिका कम हुई, लेकिन 24 घंटा में 65 मिलीमीटर से ज्यादा बरखा हुई। 1 जून से 21 जुलाई तक सवेरे 8:30 बजे तक मुंबई में 1551.1 मिलीमीटर बरखा भेल बा आ उपनगर में 1578 मिलीमीटर बरखा भेल बा। मौसम विभाग के ईगो वैज्ञानिक के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कम दबाव अवूरी दक्षिण गुजरात में चक्रवाती परिसंचरण के चलते भारी बरखा होकता। शहर में रुक रुक के होखत भारी बरखा के बीच मुंबई हवाई अड्डा पर कुल 36 उड़ान रद्द हो गई। एयर इंडिया इंडिगो अवूरी अकासा की ओर से संचालित 15 उड़ान के शाम 4 बजे तक नजदीकी हवाई अड्डा पर डायवर्ट कर दिहल गई। रविवार के दोपहरिया में भईल हल्का बरखा से पटना के लोग के कुछ राहत मिलल। गर्मी में कमी आयल, हालांकि नमी से ढेर राहत ना मिलल। राजधानी समेत कई जिला में काल्हू यानी 21 जुलाई के हल्का बरखा से मौसम तनी सुखद हो गई। राजधानी पटना के अलावे भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, अवूरी, मुंगेर जिला के कुछ हिस्सा खाती दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक बरखा, गरज, अवूरी बिजली के अलर्ट जारी कईल गईल। एकरा कुछ देर बाद बादल आपन रूप देखवलस अवूरी कुछ देर तक बरखा भईल। पटना मौसम केंद्र के वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल के मुताबिक जुलाई महीना के खत्म होखे में 9 दिन बाचल बा अवूरी बरखा में 25% के कमी आयल बा। अगर एह समय मौसमी व्यवस्था के बात करी जा तो पहला मानसून अवसाद बंगाल के खाड़ी में उभरल। 21 जुलाई के तटीय ओडिशा के ऊपर एगो बढ़िया से चिन्हित कम दबाव वाला इलाका ई सिस्टम अब उत्तर पश्चिम ओडिशा की ओर बढ़ गईल बा। मानसून के गर्त ओडिशा के ऊपर आ जैसलमेर, कोटा, गुना के रास्ता से सटल इलाका सब के ऊपर बढ़िया से चिन्हित हो गईल बा। एह असर के मध्य भारत पर ढेर होखे के उम्मीद नइखे, बाकिर बिहार में खास बदलाव के उम्मीद बा। त लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई, काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा। आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा, आपन खूब ध्यान रखल जाए। कल फिर रुआ खाती खबर लेके आयल जाए भोजपुरी भाषा में।